कभी कभी ऐसा होता है कि सत्र के लिए हमें दिल्ली में उपस्थिति अपनी बनानी होती है और हम चुनाव भी उसी के लिए लड़ते हैं। तो जब अगर हम दिल्ली में हो या किसी भी वजह से व्यस्त, तो हमारा कार्यालय 24 घंटे खुला रहेगा। यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, वो कंप्यूटर हो, वो इंटरनेट हो, फैक्स हो, प्रिंटिंग हो, ये सब की यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। क्योंकि हम मानते हैं कि अभी भी बहुत सारे हमारे संसदीय क्षेत्र में लोग हैं जो शायद कंप्यूटर पे चिट्ठी ना टाइप कर पाए, जो शायद एप्लीकेशन ना लिख पाए, जो शायद हम तक एप्लीकेशन पहुँचाना ये नहीं समझ पाए। इसीलिए उन सभी के लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे 2-3 लोग हर समय रहेंगे जो जनता की सेवा करेंगे और उनके डायरेक्ट टच में हम हमेशा रहेंगे। ऐसे हमारा नंबर सबके पास, हम मानते हैं, अलग अलग प्रखंड से हमें फ़ोन आता है, अलग अलग क्षेत्र से भी फ़ोन आता है, तो ये चीज़ तो है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन हमको लिख के नहीं भेज पाते, या अगर बोले कुरियर नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं दे पाते, तो ये बस उनकी सहूलियत के लिए बनाया। मेरा पहला वादा यही था कि हम कार्यालय यहीं खोलेंगे। अभी हम प्रयास करेंगे कि हमारा दरभंगा जिला में जो 2 विधानसभा है उस तरफ भी कार्यालय खुलने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी दिल्ली में हमारा अभी 13 को पार्टी का मीटिंग है, फिर हमारे शपथ का ये सेशन होगा एक हफ्ते का। लेकिन ये सब के बीच में भी अभी जस्ट हम लैंड करते ही, मतलब कहते हैं कि हम अपने घर जो है मेरा ससुराल वहाँ भी नहीं गए, हम सीधे सबसे पहले यहाँ आए, यहाँ पर सब जनता से मिल रहे हैं और बहुत सारा एप्लीकेशन हम लिए हैं, अभी एप्लीकेशन ले रहे हैं। और हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि इस कार्यालय में अगर आप समस्या लेके आएंगे तो समस्या का समाधान हम पूरा प्रयास करेंगे कि हो जाए। हेल्पलाइन नंबर भी जारी, एक मिस्ड कॉल नंबर दिया गया था चुनाव प्रचार के दौरान सबको, वो नंबर को, वो मिस्ड कॉल के लिए पहले था जिसपे लोग मिस्ड कॉल डालते थे, अब वो परसों से वो मिस्ड कॉल को नॉर्मल कॉलिंग में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरे जो निजी सहायक है उनका नंबर भी सबके पास है, मेरा पर्सनल नंबर भी सबके पास है, आप पूछ सकते हैं। फ़ोन लोग करते हैं 2-3 बार, कभी भी फ़ोन करते हैं, फ़ोन हम ज़रूर उठाते हैं, और अगर फ़ोन नहीं भी उठाए तो व्हाट्सएप का मैसेज तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। फेसबुक पर हम सारा कमेंट पढ़ते हैं अपने पोस्ट पर, जो भी पोस्ट जाता है उसको हम खुद देखते हैं कि कौन सा पोस्ट जा रहा है, कमेंट कैसा कैसा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी जनता के टच में नहीं है, सबके टच में हैं, और हम दिल्ली में हो, हम पटना में हो, हम कहीं भी हो, हम यहाँ की जनता से लगातार बातचीत करते रहते हैं। और सत्र जब नहीं चल रहा होगा तब तो हम समस्तीपुर में हमेशा रहेंगे, समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र। पटना लैंड करते ही आप पढ़ते हैं अमृत से मिले हैं क्या? बोला बिल्कुल, भोला टॉकीज का ROB अप्रूव हो चुका है, अब वो कैबिनेट गया है, वहाँ से जब अप्रूवल होगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। और हम मानते हैं कि कैबिनेट में भी उसकी स्वीकृति हो जाएगी और उसका काम जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा समस्तीपुर बाईपास जो है उसका प्रोजेक्ट रिव्यू हो रहा है, वो प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा मुक्तापुर फ्लाईओवर और कुशेश्वर स्थान का पुल। विपक्ष का आरोप है कि बिहार को चुनौती मिला क्या? विपक्ष हमेशा कुछ ना कुछ, हम ये मानते हैं कि विपक्ष पे टिप्पणी करके हम अपना समय नहीं बर्बाद करते, हम हमेशा अपने कार्य पे फोकस करते हैं और हम हमेशा जो मेरे हाथ में हम उसी पे ध्यान देते हैं। विपक्ष पे टिप्पणी करना मेरा संस्कार नहीं है। और जहाँ तक रही बात विपक्ष की, उनका काम है, वो विपक्ष हैं, कुछ ना कुछ वो हमेशा बोलते रहेंगे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। फूड प्रोसेसिंग मिला है, उसका लाभ समस्तीपुर लोकसभा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हमने बार बार कहा है कि किसान प्रधान क्षेत्र हमारा, किसानों के लिए हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे मकई का बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, हमने लगातार बात की है इसके बारे में। हम एक चाहेंगे कि यहाँ पे भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, और भाई अपने नेता चिराग पासवान जी से हम इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी उन्होंने आज ही अपना मतलब कार्यालय में जा कर के वो मतलब उनका ऑफिशियली फर्स्ट पद धारण किया है, तो अब वापस जब दिल्ली जाएंगे एक बार हम लोग सबका शपथ हो जाए उसके बाद इसके बारे में भी हम लोग सोचेंगे। आने वाले 5 साल में हम प्रयास पूरा करेंगे कि एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ भी लग जाए, पर साथ ही जो भी यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद पड़े हुए हैं, जूट मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, चीनी मिल हो, ये सारे मेरा प्राथमिकता ये रहेगी कि उस पर काम सबसे पहले शुरू हो जाए। रामनाथ जी को भी किसान बिल्कुल कृषि विभाग मिला है, वो भी आपके बिल्कुल उसका भी हमें लाभ मिलेगा। कल ही हमने उनसे मुलाकात की, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, कर्पूरी ग्राम में खुशी का माहौल था और कर्पूरी ग्राम हमारे संसदीय क्षेत्र में भी आते, तो हम मानते हैं कि चाचा भतीजी मिलके समस्तीपुर में खूब विकास करेंगे। थैंक यू।